हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बायोलॉजी बाय एम निषाद यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स का क्लासिफिकेशन, एनिमल्स के वर्गीकरण के बारे में। ये वर्गीकरण ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर है, जर्म लेयर के बेस पर है, बॉडी सिमेट्री के बेस पर है और सीलोम के बेस पर है। तो कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें जो भी हमने मेन टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स से हैं उनको रखा है, जो कि इम्पॉर्टेंट के व्यू से ओबीटीजीटी और पीजीटी में ज़रूर पूछे जाते हैं। यहां से आपको एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट है ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो इनकी बॉडी के का ऑर्गेनाइजेशन है वो किस ग्रेड का है। तो जिसमें फर्स्ट है प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ए फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक बेस का होता है या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का होता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी एक सेल के जरिए बनी हुई होती है और यही सिंगल सेल सारी फिजियोलॉजी को परफॉर्म करता है। तो जिसकी वजह से इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड होता है। सेकेंड है सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये होता है पोरीफेरा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो भी एनिमल होते हैं, मींस पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले एनिमल स्पंजेज होते हैं। तो स्पंजेज की बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेलुलर ग्रेड का होता है। सेलुलर ग्रेड मींस इनमें स्पेशल टाइप की सेल्स कोइनोसाइट्स पिनेकोसाइट्स पाई जाती हैं, जो लूजली अरेंज होती हैं और ये विभिन्न तरीके की एक्टिविटी को परफॉर्म करती हैं। ये लूजली पैक्ड होती है, ना कि कॉम्पैक्ट पैक होते हैं, जिसकी वजह से ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। तो ये सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। तो सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये पोरीफेरा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें पाया जाता है, उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। थर्ड है सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है ये फाइलम सिलेंट्रेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल या निडेरिया फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं, जैसे हाइड्रा जेलीफिश मून जेली, इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। इनमें जो सेल्स होते हैं वे तो लूजली पैक्ड होते हैं, लेकिन इनमें जो नर्व नेट का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ टिशू, मतलब प्रिमिटिव टिशू लाइक फॉर्म होता है, जिसकी वजह से ऐसे एनिमल की बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल टिश्यू ग्रेड। ठीक, नेक्स्ट है टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ए फाइलम प्लेटीहेलमिंथीज के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल, जैसे टीनिया फैसियोला एनिमल जो होते हैं, इनकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। मींस इनमें जो सेल्स होते हैं वे अरेंज होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं और यही टिश्यू अरेंज होकर के एक निश्चित ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे आई स्पॉट का फॉर्मेशन हो जाना, प्रोप्सिस का फॉर्मेशन हो जाना, गोनाइट्स का फॉर्मेशन हो जाना। तो एक निश्चित ऑर्गन का टिश्यू कॉम्पैक्ट होकर के निश्चित ऑर्गन का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसे टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ए हायर एनिमल में पाया जाता है, मींस नेमेटोडा से लेकर के नेमेटोडा एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकैनोडर्मेटा और कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। मींस टिशू कॉम्पैक्ट होकर के ऑर्गन का फॉर्मेशन और ऑर्गन कॉम्पैक्ट होकर के
ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर देते हैं, और यही ऑर्गन सिस्टम विभिन्न तरीके की एक्टिविटी जैसे रिप्रोडक्शन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन आदि क्रियाओं को एक निश्चित ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म करता है। तो इस तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, जो हायर एनिमल में पाया जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि निमेटोडा या एस्कलमेंथिस से लेकर के कार्डेटा तक के जो फाइलम है उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है जर्म लेयर। जर्म लेयर के बेस पर एनिमल्स को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में दो लेयर का फॉर्मेशन होता है, एक तो होता है एक्टोडर्म का जो बाहर की लेयर होती है और एक इंडोडर्म जो अंदर की लेयर होती है। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होते हैं जो पोरीफेरा फाइलम है और सिलेंट्रेटा फाइलम है। पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी में दो लेयर का जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, इसकी वजह से इन्हें डिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, थ्री जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, जिनमें बाहर की तरफ एक्टोडर्म, अंदर की तरफ इंडोडर्म और मिडिल में मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरीके के एनिमल जो होते हैं जिनमें तीन लेयर का फॉर्मेशन होता है उसे ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्लेटीहेलमेंथीज से लेकर के हम कह सकते हैं प्लेटीहेलमेंथीज, एस्कलमेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा और कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। मीन्स वो तीन लेयर के जरिए बनी हुई होते हैं या तीन लेयर उनमें तीन जर्म लेयर पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बॉडी सिमेट्री। बॉडी सिमेट्री या सिमेट्री हम कह सकते हैं कि बॉडी का ऐसा अरेंजमेंट जियोमेट्रिकल अरेंजमेंट होता है उसी को सिमेट्री कहा जाता है, जो एक निश्चित एक लाइन के जरिए बॉडी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। तो बॉडी सिमेट्री दो तरीके की होती है, एक होती है सिमेट्रिकल और दूसरी होती है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल बॉडी ऐसी होती है कि जिनमें किसी भी लाइन के जरिए बॉडी को इक्वल पार्ट में या सिमिलर पार्ट में डिवाइड किया जा सके उसे सिमेट्रिकल बॉडी कहा जाता है। और एसिमेट्रिकल बॉडी मीन्स जिनमें किसी भी एक सेंट्रल एक्सिस से या एक लाइन के जरिए एनिमल को दो बॉडी के पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड ना किया जा सके ऐसे एनिमल को एसिमेट्रिकल कहा जाता है। तो बॉडी सिमेट्री के बेस पर एनिमल को चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिनमें से एक है स्फेरिकल सिमेट्री, दूसरी है रेडियल सिमेट्री, तीसरी है बाई रेडियल सिमेट्री और चौथी है बाइलेटरल सिमेट्री। तो आइए देखते हैं पहले स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री जैसा कि नाम से स्पष्ट है मीन्स जिनकी बॉडी स्फीयर शेप्ड हो, स्फीयर मीन्स राउंड शेप्ड हो। तो राउंड शेप कुछ एनिमल्स प्रोटोजोआ के हैं जिनकी बॉडी राउंड शेप्ड होती है और इनको बीच से सिमिलर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, सिमिलर पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है जैसे वॉल्वॉक्स, हेलियोजोआ, रेडियोलेरिया, इनकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है, इनकी बॉडी की जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट है रेडियल सिमेट्री ये हम कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी का अरेंजमेंट जिनमें एक तरीके से मेन एक्सिस या सेंट्रल या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से एक सर्कुलर रेडिएटिंग मैनर लाइक जैसे
एक चक्की में तीली लगी हुई होती है, उस तरीके का जो बॉडी का अरेंजमेंट होता है, किसी भी एक मेन लैंगिट्यूडनल एक्सिस से अगर उसको काटा जाए तो सारे इक्वल पार्ट में, बॉडी इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है या इक्वल हॉल्स में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो सिमेट्री होती है उसे रेडियल सिमेट्री। ये पाए जाते हैं सिलेंड्रेटा और इकाइनोडर्मेटा, फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। बाई रेडियल सिमेट्री, बाई रेडियल सिमेट्री में ये टीनोफोरा और एंथोजोआ क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं, टीनोफोरा फाइलम और एंथोजोआ क्लास के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी सिमेट्री बाई रेडियल होती है। बाई रेडियल मीन्स लॉन्गिट्यूडनल, या तो लॉन्गिट्यूडनल डिस काटा जाए तब भी उनकी बॉडी के इक्वल पार्ट आप मिले, और अगर हॉरिजॉन्टल काटा जाए, कट किया जाए इनकी बॉडी को, तब भी इक्वल पार्ट बॉडी के या सिमिलर पार्ट बॉडी के मिले, ऐसी सिमेट्री को बाई रेडियल सिमेट्री कहा जाता है। और नेक्स्ट है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री ए प्लेटी हेलमेंथीज और कार्डेटा, प्लेटी हेलमेंथीज और कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनकी बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल होती है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर ऐसे एनिमल को अगर बीच से लॉन्गिट्यूडनल डिसेक्ट किया जाए या काटा जाए तो बॉडी के जितने भी पार्ट होंगे वो इक्वल पार्ट में, दो पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट साइड में इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। तो ऐसे एनिमल को, ऐसे जो बॉडी सिमेट्री होती है उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहा जाता है, और ये प्लेटी हेलमेंथीज और कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें पाई जाती है। एक नेक्स्ट है फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल्स किंगडम टू एग्जिबिट बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है प्लेटी हेलमेंथीज जो कि बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है। मीन्स प्लेटी हेलमेंथीज एनिमल किंगडम का पहला फाइलम है जिसकी बॉडी सिमेट्री बाइलेटरल होती है। मीन्स जैसे एज लाइक हम देश कह सकते हैं कि फैसिलो को ले लीजिए, फैसियोला को ले लीजिए, फैसिलो को अगर बीच से डिसेक्ट किया जाए तो इक्वल पार्ट में दो बराबर भागों में वो डिवाइड हो जाएगा। तो भी इम्पोर्टेंट मीन्स हम कह सकते हैं कि एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट बायलेटरल सिमेट्री दैट इज प्लेटी हेलमेंथीज। एसिमेट्रिकल बॉडी, एसिमेट्रिकल बॉडी ए मीन्स जिनकी बॉडी को दो बराबर भागों में डिवाइड ना किया जा सके, तो ये जितने भी पोरीफेरंस मीन्स स्पंजेस हैं इनकी बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। नेक्स्ट है प्रोटोस्टोम, प्रोटोस्टोम माउथ फॉर्म फ्रॉम द फर्स्ट ओपनिंग ब्लास्टोफोर। मीन्स प्रोटोस्टोम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं इनमें माउथ ब्लास्टोफोर के जरिए बनता है। जो पहला पोर होता है गैस्टूला में, जो पहला पोर होता है उसी को ब्लास्टोपोर कहा जाता है, और ब्लास्टोपोर के जरिए माउथ का फॉर्मेशन जिन एनिमल में होता है उन्हें प्रोटोस्टोम कहा जाता है। माउथ का फॉर्मेशन ब्लास्टोपोर के जरिए होता है। इनमें एनेलिडा, आर्थोपोडा और मोलस्का ये प्रोटोस्टोम है जिनमें माउथ का फॉर्मेशन ब्लास्टोपोर के जरिए होता है। नेक्स्ट है ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम इज द माउथ ऑलवेज फॉर्म एज सेकेंड ओपनिंग एल्सवेयर ऑन एम्ब्रियो। ब्लास्टोपोर गिव राइज एनस, मीन्स ड्यूट्रोस्टोम के अंतर्गत आने वाले एनिमल ऐसे एनिमल होते हैं जिनमें माउथ का फॉर्मेशन ब्लास्टोपोर के जरिए ना होकर के एम्ब्रियो के किसी दूसरे ओपनिंग के जरिए या किसी दूसरी ओपनिंग के जरिए फॉर्म हो जाता है माउथ, और ब्लास्टोफॉर्म ब्लास्टोपोर के जरिए एनस का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसे एनिमल को ड्यूट्रोस्टोम कहा जाता है। मीन्स ड्यूट्रोस्टोम में माउथ किसी दूसरी ओपनिंग के जरिए फॉर्म होता है और ब्लास्टोपोर के जरिए यहाँ पर एनस का फॉर्मेशन होता है। तो ड्यूट्रोस्टोम के अंतर्गत आने वाले जो फाइलम है वो इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं इनमें माउथ का फॉर्मेशन सेकेंड ओपनिंग के जरिए होता है और ब्लास्टोपोर के जरिए एनस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है सीलोम, सीलोम के बेस पर एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया है। तो आइए देखते हैं ए सीलोमेटा,
ए सीलोमेटा, नाम से स्पष्ट है ए सीलोमेटा मीन्स ए अब्सेंट सीलोम। ऐसे एनिमल जिनमें सीलोम अब्सेंट हो मीन्स एनिमल विदाउट सीलोम उसे ए सीलोमेटा कहा जाता है, जिनमें सीलोम ना पाया जाए। तो सीलोम ए पाया नहीं पाया जाता है पोरीफेरेंस में, सिलेंड्रेट्स में, प्लेटी हेलमेंथीज में। इनमें इनकी बॉडी कैविटी या हम सीलोम हम कह सकते हैं कोई बॉडी कैविटी जिनमें नहीं पाई जाती है उन्हीं को ए सीलोमेटा कहा जाता है। तो ए सीलोमेटा पोरीफेरेंस, सिलेंड्रेट्स और प्लेटी हेलमेंथीज के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें बॉडी कैविटी अब्सेंट होती है या सीलोम अब्सेंट होता है। सीलोम हम कह सकते हैं कि इंटरनल स्पेस है बॉडी के अंदर जो बॉडी वाल और डाइजेस्टिव ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाया जाता है, जिसमें फ्लूइड फील्ड होता है उसी को सीलोम कहा जाता है। तो जिनमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती या सीलोम नहीं पाया जाता है उसे ए सीलोमेटा, और ए सीलोमेटा के अंतर्गत पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा और प्लेटी हेलमेंथीज के अंतर्गत आने वाले एनिमल होते हैं। स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट, स्यूडो मीन्स होता है फॉल्स, सीलोम सीलोमेट सीलोम मीन्स जिसमें फॉल्स टाइप का सीलोमेट या सीलोम पाया जाए। तो एनिमल हैविंग फॉल्स बॉडी कैविटी, जिनमें एनिमल्स ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी में बॉडी कैविटी फॉल्स टाइप की होती है उसे स्यूडो सीलोमेट कहा जाता है। कह सकते हैं कि डेवलप फ्रॉम ब्लास्टोसेल्स मीन्स जो सीलोम होता है ब्लास्टोसेल के जरिए बना हुआ होता है लेकिन पेरिटोनियम के जरिए लाइंड नहीं होता है। तो स्यूडो सीलोमेट होते हैं एस्कल्मेंथीज के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं, फाइलम एस्कल्मेंथीज के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उन वे स्यूडो सीलोमेट होते हैं। नेक्स्ट है यू सीलोमेट, यू मीन्स ट्रू सीलोमेट मीन्स एनिमल जिनमें सीलोम ट्रू सीलोम पाया जाए उसे यू सीलोमेट कहा जाता है, मीन्स बॉडी कैविटी जो इनमें पूरी तरीके से ट्रू पाई जाए। तो एनिलिडा से लेकर के कार्डेटा तक के जो फाइलम हैं उनमें सब में यू सीलोमेट पाया जाता है मीन्स यू सीलोमेट कहलाते हैं, जिनमें ट्रू सीलोम पाया जाता है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकैनोडर्मेटा और कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं वे यू सीलोमेट होते हैं। नेक्स्ट है स्यूजो सीलोमेट या स्यूजो सीलोम, ऐसे एनिमल जिनकी जिनमें सीलोम मीजोडर्मल बैंड के जरिए स्प्लिट होकर के मीजोडर्मल जो बैंड होता है वो स्प्लिट होकर के सीलोम का फॉर्मेशन करती है उसे स्यूजो सीलोम कहा जाता है। तो स्यूजो सीलोम या स्यूजो सीलोमेट होते हैं एनिमल होते हैं एनेलिडा, एनेलिड्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्कंस मीन्स एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का फाइलम के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें सीलोम स्यूजो सीलोम पाया जाता है, जिनमें सीलोम का फॉर्मेशन मेसोडर्मल बैंड के स्प्लिट होने से होता है। नेक्स्ट है इंट्रोसीलोम, इंट्रोसीलोम डेवलप्स एज आउट ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियनिक गट, इंट्रोसीलोम जो होता है वो एम्ब्रियनिक गट के आउट ग्रोथ डेवलपमेंट होता है आउट ग्रोथ का, एम्ब्रियनिक जो गट होती है उनमें एक अतिवृद्ध हो जाती है और वही फॉर्म करता है इंट्रोसीलोम का, उसी को कहा जाता है इंट्रोसीलोम, जिनमें आर्केंट्रान से पाउच का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस तरीके की जो सीलोम होता है उसे इंट्रोसीलोम कहा जाता है, और इंट्रोसीलोम ये पाया जाता है इकैनोडर्मेटा में, हेमिकार्डेटा में और कार्डेटा में मीन्स इकैनोडर्म्स इकैनोडर्मेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं, हेमिकार्डेट हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं और कार्डेटा कार्डेट्स कार्डेटा के अंतर्गत आने वाले जो एनिमल होते हैं उनमें जो सीलोम होता है वो इंट्रोसीलोम होता है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। डिस्कशन अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।